हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको धन एचक्यू के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि धन एचक्यू की एपीआई कैसे कनेक्ट करें। इस वीडियो में मैं आप ऑर्डर कैसे लगाओगे उस बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि आप अगर ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगेंगे। तो जैसे कि अभी मैं धन एचक्यू की वेबसाइट पर हूँ एंड टर्मिनल पर हूँ और यहाँ मैंने दो ऑर्डर लगा भी दिए और मैं आपको बस अपने हिसाब से चेक कराता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं कज़र लेके आ जाता हूँ। हाँ, ये रहा। तो अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से, ऑर्डर टेबल के हिसाब से थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल दूंगा कि आप इस पे ऑर्डर कैसे लगाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे। यहाँ आ गए हम, लॉगिन कर लिया, उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। एपीआई मैंने पहले ही आपको बता दी थी। यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके लिए जो मेन, सबसे मेन चीज़ है वो है सीक्वेंस बैबुक। आप इसको देख लीजिए मेरे कज़र को, ये सीक्वेंस बैबुक ही आपको ट्रेडिंग ग्रुप पे डालना है जब आपके ऑर्डर आएंगे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप अपनी ईपीआई क्रेडेंशियल में जाके ये मेक श्योर ये चेक कर लेना कि आपकी धन एपीआई एक्टिवेट है या नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ये धन पे गया, ये एक्टिवेट, अगर ये ऑफ है तो ऑर्डर नहीं जाएंगे, इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। तो इसे ऑन कर लेना। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये खोल लिया, हम नेक्स्ट लेवल बोर्ड पेज पे चलते हैं और यहाँ पर खोल लेते हैं सेंटेक्स पेज। ये हमने सेंटेक्स पेज खोला। सबसे पहले हम धन का सेंटेक्स बनाएंगे और धन सेंटेक्स से पहले हम एक बार सिंबल भी खोल लेते हैं जिससे मैं आपको बता दूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ग्लोबल फाइल में आप अपने सिंबल को फाइंड करेंगे, तो ये आप देख लेना उस वीडियो में जहाँ कनेक्शन बताया था। तो अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी सिंबल चाहिए आप यहाँ पर देखोगे। अभी मैं इसका कुछ डेमो भी दिखाऊंगा। इधर आगे धन, इधर सेंटेक्स पेज पर आए हम और सेंटेक्स पेज पे आने के बाद आपको ये धन एचक्यू सेंटेक्स पे जाना है और यहाँ पर आपको कई सारे सेंटेक्स दिखेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी टीपीएसएल टीएसएल इस ये तीनों चीज़ें इस पर काम नहीं कर रही। इस वीक में एक्टिवेट हो जाएंगी, फिर आप टीपीएसएल टीएसएल भी डाल सकते हो हमारी साइट से। और मतलब जिसे हम फेक मैनेजमेंट कहते हैं, अगर आपने कोई वीडियो देखी हो फेक मैनेजमेंट की तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए हम ऑर्डर लगाना देखते हैं। उस दिन मार्केट बंद थी, ऑर्डर भी नहीं लगा के देख पाए थे। तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्डर होता है वो होता है फुल्ली एल्गो। इसका काम क्या होता है, पुरानी पोजीशन को क्लोज करना, नई पोजीशन ऐड करना। पर किस केस में पुरानी पोजीशन क्लोज करता, अगर आपके अकाउंट में पुरानी पोजीशन है तो उसे क्लोज करेगा और नई पोजीशन ऐड करेगा। ये इंटरडे के केस में बता रहा हूँ। कहीं आप कैश डिलीवरी में पहुंच जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप फ्यूचर डिलीवरी करते हो और ऑप्शन डिलीवरी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैश में टू डे सेटलमेंट होता है तो वहाँ ये चीज़ नहीं काम करेगी। बट अगर आप कंटिन्यू कोई सिग्नल आ रहे हैं बाय सेल इंटरडे में आप काम कर रहे हो, तो आप पुरानी पोजीशन क्लोज करना चाहते हो, नई ऐड करना चाहते हो, तो परफेक्ट वर्क करता है। अगर है तो काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। एज ए एग्जाम्पल के लिए अभी हम दो सेंटेक्स बनाते हैं। फुल्ली एल्गो पे गया, रेगुलर पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने ये सिंबल ले लिया। एग्जाम्पल यहीं दिया था, ये ले लिया। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। एनएससी क्वांटिटी वन डाल देते हैं, मार्केट डाल देते हैं और ये बाय डाल देते हैं, मार्केट डाल देते हैं। टीपीएसएल मैंने बताया कि अभी काम नहीं करेगा, एक वन वीक लगेगा। जनरेट कर देते हैं, ये हो गया हमारा बाय का सेंटेक्स जनरेट। इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद एक लाइन देते हैं, इस कलर, इस लाइन को दे देते हैं। अच्छा, ये बाय का सेंटेक्स है तो इसको हम ग्रीन लाइन दे देते हैं। तो हमने ये ग्रीन लाइन दी और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो बोल्ड सी होगी। अब यहाँ गए, एक हॉरिजेंटल पे कंडीशन बना रखी हमने, डिफॉल्ट कंडीशन है क्रॉसिंग की। तो टेस्ट बाय ऑर्डर, इसको नाम दे देते हैं हम टेस्ट बाय ऑर्डर और यहाँ सेंटेक्स को सेव कर दिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन में जाना और अपना वेबुक डाल देना है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि आप यहाँ डैशबोर्ड पे आओगे। कहाँ गया डैशबोर्ड, में दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे आओगे, सीक्वेंस वेबुक पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा और आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरे पहले से डला हुआ, इसलिए मेरे को डालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने क्रिएट कर दिया। एक बाय का अलर्ट्स क्रिएट हो गया, यहाँ पर आपको दिख जाएगा टेस्ट बाय ऑर्डर। ऐसे ही मैं अब फिर से ट्रेडिंग व्यू पे सेंटेक्स पेज पे जाता हूँ, ये रहा सेंटेक्स पेज। और ऐसे ही मैं सेल का बनाऊंगा, पर मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। मैं इधर सेल पे क्लिक करूंगा तो ये सेल का बन गया, ठीक है जी। जनरेट, अगर आप देखोगे तो यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप सेल आ रहा है। टीटी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन टाइप सेल। तो इसके अंदर ये है कि भाई पुरानी पोजीशन क्लोज करे और नई पोजीशन सेल की ऐड करे। इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर जाता हूँ, एक लाइन ऐड करता हूँ, नीचे ऐड कर लेता हूँ और इसको कलर को कर देता हूँ मैं रेड, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। एंड डिफॉल्ट में डाल देता हूँ टेस्ट सेल ऑर्डर, ये मैंने डाला और ये डाल दिया।
और जो वेबुक था वो पहले से डाला हुआ है तो मुझे डालने की जरूरत नहीं, और सेव करती है। तो इस चीज़ को आप एज ए इंडिकेटर भी कर सकते हो, आपके पास जैसे कोई इंडिकेटर है, एज ए एग्जाम्पल मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया तो ये बाय सेल के सिग्नल दे रहा है, अगर आप देखोगे इन्हें इधर बाय शॉर्ट दिया इधर लॉन्ग दिया तो एक कंटिन्यू लूप में चलता रहेगा, आपकी पूरे दिन की ट्रेडिंग कर देगा। बट मैं अभी इंडिकेटर से दिखाता हूँ तो सिग्नल बहुत लेट लेट आते तो मैं वीडियो कैसे बनाता, टाइम भी वैसे ज़्यादा हो गया। अगर टाइम की बात करूँ मैं तो 3:04 हो गए, तो 8-10 की मार्केट रह गई है। तो अब मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं धन की वेबसाइट पे और यहाँ चलते हैं मेरे पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप देखोगे दो क्वांटिटी से मेरे पास एक पहले से ही बाय का ऑर्डर डला हुआ, बाय साइड में मैंने ले रखा है, ये भी टेस्ट कर रहा था वर्किंग है नहीं है तो जब का है। तो अब क्या होगा, पहले मैं सेल का ट्रिगर कराता हूँ कि भाई पुरानी पोजीशन को क्लोज करे नई पोजीशन को ऐड करे। तो इधर गए और सेल की लाइन हमारी ये है, दो अलर्ट्स बन गए आप देख सकते हो, एक सेल ऑर्डर बना हुआ है एक बाय ऑर्डर बना हुआ है। तो मैं ना अभी ये कैंडल इस लाइन से टच होगी तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाएगा, पीसी ऑन हो ऑफ हो डजंट मैटर, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूँ। तो अब मैं कैंडल के लिए वेट तो कर नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ लाइन को ही कैंडल के पास ले जाता हूँ और यहाँ पर अलर्ट्स आ जाएगा। यहाँ देखना अलर्ट्स आया, इधर गए और ये ऑर्डर क्लोज हो गया और नया ऑर्डर वन क्वांटिटी से लग गया। अगर आप देखोगे रेड का मतलब होता है सेल और आई थिंक यहाँ कहीं लिखा भी होगा सेल, तो हाँ ये एस लिखा है, इसका मतलब हो गया सेल शॉर्ट। तो ये हमारा सेल हो गया, पुरानी पोजीशन क्लोज करी नई पोजीशन शॉर्ट की कर दी। अब मैं इस चीज़ को ऐसा करता हूँ, मैं इस विंडो को बाहर निकाल लेता हूँ, ये विंडो को बाहर निकाला और मैंने इसे करा साइड में लेफ्ट साइड और इस विंडो को कर देता हूँ मैं राइट साइड, ठीक है जी। तो दोनों विंडो को लेफ्ट राइट कर दिया और इसके अंदर ये थोड़ा सा ये हो रहा है कि इसके अंदर अगर ये दे देते ना स्क्रॉल डाउन करने का तो ईजी हो जाता है मेरे लिए। चलो मैंने मिनिमाइज कर दिया, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जिससे आपको ये पूरा दिखे। अब ये देखिए और इसे इधर ले आता हूँ, इस लाइन को हटा लेता हूँ मैं। तो अभी मेरी सेल की पोजीशन ऑन है, यहाँ देख सकते हो। अब मैं ग्रीन लाइन को लेके आऊँगा और इससे टच कराऊंगा, जैसे टच कराऊंगा यहाँ अलर्ट्स आएगा, ध्यान रखना यहाँ अलर्ट्स आएगा। वेट करते रहिए, देखते रहिए, मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ। तो ये अलर्ट्स आया और ये क्या करा इनने, इसे काटा और नहीं लगा दिया, आपके सामने ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से ये पुरानी पोजीशन को काटेगा नई पोजीशन को लगाएगा, ये फुल्ली एल्गो उनके लिए जो फ्यूचर में कैश में और अपना ऑप्शन में स्पेसिफिक सिंबल पे काम करते हैं इजिली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया फुल्ली एल्गो कैसे काम करता है। अब इसे हम बंद करते हैं और इसे हम ऊपर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ऑटो स्ट्राइक प्राइस कैसे लगाएंगे। ऑटो स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होता है पहले मैं वो समझा दूँ आपको, तो उससे पहले मेरे को वो चार्ट लेके आना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए। तो मैं इसे फिर से राइड करता हूँ और इसको लेके आ जाता हूँ, इसको इसी में डाल देता हूँ, ठीक है जी, जिससे कि ईजी हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों अलर्ट्स को डिलीट मारते हैं जो हमने बनाए थे, ऑल रिमूव कर देते हैं। तो ये रिमूव हो जाएंगे आई थिंक, ये ऐसे कर देता हूँ रिमूव ऑल ट्राइंग, ठीक है जी। तो अब हम ऑटो फुल्ली एल्गो पे करते हैं, फुल्ली ऑटो स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं। पर मैं आपको बता दूं मेरे पास फंड नहीं है तो मैं लाइव ऑर्डर नहीं दिखा पाऊंगा, रिजेक्ट ऑर्डर दिखा पाऊंगा और रिजेक्ट ऑर्डर अभी हो जाएंगे। तो हम चलते हैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले लो, ऑप्शन ले लो, इट्स योर चॉइस। मैं अभी के लिए फ्यूचर ले लूंगा, बैंक निफ्टी डाला, यहाँ फ्यूचर आ गया करंट मंथ का, ये ओपन कर लिया और इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा लेना, मैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, ऑटो स्ट्राइक प्राइस का यूज करेंगे। ऑटो स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करती है, जो भी करंट जब हमारी कंडीशन टिगर होगी, जो भी हमारा इंडिकेटर होगा, स्ट्रैटेजी होगी, जो भी टिगर होगी, उस टाइम के करंट प्राइस के हिसाब से इन द मनी आउट द मनी ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा। तो सबसे पहले हमें सिंबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम गए यहाँ सिंबल पेज पे और ग्लोबल सिंबल पे क्लिक करा। सिंबल पेज कहाँ से आएगा दिखा देता हूँ, ये रहा सिंबल पेज, इस पर क्लिक करोगे सिंबल पेज पे आ जाओगे और सिंबल पेज पे गए, ये रहा सिंबल पे, और यहाँ सर्च करेंगे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 23/1/19, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 19 तारीख की है, आई होप आपको पता होगा 19 जैन की है। तो मिल गया, हमें खाली स्ट्राइक प्राइस तक कॉपी करना है, हमें खाली स्ट्राइक प्राइस ना कि नहीं सॉरी हमें खाली एक्सपायरी तक कॉपी करना ना कि स्ट्राइक प्राइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपने वर्ड दोबारा चेंज कर रहा हूँ कि हमें एक्सपायरी तक कॉपी करना है। तो हमने क्या करा, बैंक निफ्टी सिंबल ले लिया, एक्सपायरी कॉपी कर ली, ये कॉपी कर लिया, इतना ही करना है। उसके बाद आना है हमें अपने सेंटेक्स पेज पे, सेंटेक्स पेज पे आए और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो स्ट्राइक प्राइस रेगुलर। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है भाई आप विद क्लोज करना चाहते हो या विदाउट क्लोज करना चाहते हो, दोनों का मतलब समझा देता हूँ। विद क्लोज वो हो गया कि आपकी पुरानी पोजीशन को क्लोज करना, नई पोजीशन ऐड करना। हो सकता है कि आपने पहले उस सिंबल में पुट ले रखी हो तो पुट क्लोज हो जाए, कॉल ऐड हो जाए, या आपने कॉल ले रखी हो तो कॉल क्लोज हो जाए, पुट ऐड हो जाए, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, विद क्लोज तो हमारे पास कोई पोजीशन है ही नहीं तो कोई मैटर नहीं बनता, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम ले लेते हैं विद क्लोज।
अब ये पूछ रहा भाई सी लेना चाहते हो पी, हमने सी करा। ट्रेडिंग सिंबल में हमने क्या डाला, हमने खाली सिंबल और एक्सपायरी डाली, प्राइस डाला ही नहीं। उसके बाद एनएफओ सेलेक्ट करा, क्वांटिटी में 25 डाल लेंगे, ध्यान रखना 25 डालना। कई लोग यहाँ गलती करते हैं, एक लॉट डाल देते हैं, हम क्वांटिटी में काम करते हैं। बाय करा, मार्केट करा, इसके अंदर लिमिट ऑर्डर भी है और आपका क्या है वो भी है, जिसे कहते हैं TPSL, पर मैंने बोला ये हफ्ते में ऐड हो जाएगा। वन वीक में आप TPSL TSL तीनों चीज़ों को कर सकते हो, ट्रेल भी लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट भी ले सकते हो और स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। अभी के लिए हम मार्केट पे काम करेंगे। इंट्राडे करा, नियर बाय क्या है, नियर बाय आप ध्यान रखना, मैंने कई वीडियो में बताया, कई लोग इस भी चीज़ में गलती करते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर अभी कभी भी नोटिस करना कि जो गैप होता है वो 100 रुपये का होता है, जैसे कि 40,100 की कॉल, 40,200 की कॉल, 40,300 की कॉल, तो जो गैप आ रहा है कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है, तो हम नियर बाय में 100 रखेंगे, राउंड ऑफ करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद होता है कैल, कैल का मतलब है कैलकुलेशन। अगर आपको इन द मनी चाहिए तो आप जीरो डाल दोगे। अगर सपोज मानो आपका प्राइस चल रहा था 40,010 रुपये, करंट प्राइस उस टाइम 40,010 रुपये था, तो उसका नियर बाय क्या बना, 40,000 की कॉल बनी, पर आपको है ना उससे भी दो नीचे चाहिए, मतलब इन द मनी में आपको चाहिए 38,800 की कॉल, तो आप यहां पर 200 डालोगे और माइनस कर दोगे, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका राउंड ऑफ बना उससे 200 नीचे की कॉल लगा देगा, और अगर आपको आउट ऑफ मनी जाना है तो प्लस कर दोगे। मैं अभी जीरो रखता हूं, इस चीज को बाद में दिखाऊंगा आपको, तो मैं जीरो रखता हूं डिफॉल्ट, एंड प्लस माइनस जब जीरो रखते हो डजेंट मैटर, जनरेट करता हूं और कॉपी करता हूं। ये मेरा सेंटेक्स हो गया कॉपी। ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूं, एक हॉरिजेंटल लाइन लेता हूं, और हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद इधर मैं जा देता हूँ टेस्ट ऑप्शन ऑटो स्ट्राइक प्राइस ऑर्डर, इतना लंबा टाइप कर दिया आपके चक्कर में मैंने, सेंटेक्स डाला। वैबुक हमारा पहले से सेव है, जो हम लास्ट में वैबुक डालते हैं ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, फिर भी आप चेक कर लेना मेरा सेव है, और मैं इसे सेंटेक्स को क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ देखना एक अलर्ट्स आ जाएगा आपके सामने, और ये मेरा अलर्ट्स आ गया, मतलब अलर्ट्स बन गया। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, दोबारा वही काम करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसको कंट्रोल जेड करके लेफ्ट में लगा, राइट में लगा लेंगे, और इसको लगा लेंगे हम लेफ्ट में, तो एक ही विंडो पे दोनों चीज़ें आ गई, मेरे लिए इजी हो गया आपको दिखाना। और इस अलर्ट्स पर इंडिकेटर को हाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए कोई भी पोजिशन नहीं, जो भी रिजेक्ट ऑर्डर होंगे अभी देख लेते हैं, तो हम एक बार टिगर कराते हैं भाई कौन सी पोजिशन ले रहा है, तो हम इधर गए और अलर्ट्स इधर आएगा, वेट करते हैं, तो अलर्ट्स आया, और इधर कोई रिजेक्ट ऑर्डर आता है, तो इधर कोई रिजेक्ट नहीं आया, कहाँ आता ऑर्डर रिजेक्ट, ये आया, ये रिजेक्ट ऑर्डर ऑर्डर में आते, मुझे भी नहीं पता था। तो इधर देखो इनने क्या करा, बैंक निफ्टी 19 जनवरी 42,300 की कॉल ली। क्यों ली भाई 300 की कॉल, क्योंकि जो प्राइस आया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 42,000, इधर देख लो जो अलर्ट्स है 42,329 आया, तो इसका नियर बाय क्या बनना चाहिए था, 300 ही बनना चाहिए था, तो 300 की कॉल ली। बट भाई कई लोग ऐसे हैं, देखो अगर इस केस में ये भी करा इनने, पुरानी पोजीशन क्लोज करी है, पर मेरे पास तो पोजीशन थी नहीं, तो क्लोज कहां से करेगा, क्यों मेरे पास फंड ही नहीं है पहली बात, तो पोजीशन ही नहीं थी तो क्लोज नहीं करा, और ये ऑर्डर इनने रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इस केस में भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कई लोग हैं जैसे भाई वो चाहते हैं भाई 40 क्या कितना आया था एक बार देख लेता हूँ, 42,300 की कॉल ली, वो चाहते हैं 42,100 की चाहिए, हमें तो ज़्यादा टू मतलब इन द मनी में टू डाउन जाना है, तो यहाँ कई लोग क्या करते हैं, सेंटेक्स पे चलता हूँ मैं इस पेज को बड़ा कर लेता हूँ, सेंटेक्स पे गया, तो जो हमने सेंटेक्स बनाया था ना, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर कैल के अंदर टू डाल देते हैं और माइनस सेलेक्ट कर देते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, 200 की नीचे की चाहिए तो आप यहाँ 200 टाइप करोगे, 200 और माइनस करोगे, जनरेट करोगे। अब मैंने जनरेट करा, कॉपी सेंटेक्स करा, फिर से मैं इधर आया, अब इसको मैं फिर से लेफ्ट में कर देता हूँ आपके लिए, और इधर गया, और इधर जाने के बाद ऐड अलर्ट्स करा, सेंटेक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से ऑर्डर लगा रहा हूँ, पहले देखो ये ली थी, अब मैं जैसे ही टिगर करूंगा, मैं गया टिगर करने, तो आप यहाँ देखना रिजेक्ट ऑर्डर में अलर्ट्स आता, अलर्ट्स ही आया, ये रिजेक्ट हो गया हाथों हाथी, तो आप देखोगे इनने क्या लिया, 42,100 की कॉल ली। क्यों ली, क्योंकि हमने इन द मनी नीचे करा था। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो कि आप ऊपर नीचे ले सकते हो। अब कई लोग हैं जो ये कहते हैं
कि भाई 900 से ज्यादा क्वांटिटी है ना ब्रोकर एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक बैंक निफ्टी में 900 बताते हैं और निफ्टी में 1800 बताते हैं, या उल्टा होगा जो भी है। तो इस केस में आप मेरे को कॉन्टेक्ट करना, मेरी टीम को कॉन्टेक्ट करना, हम आपको एम टाइप का पैरामीटर देंगे। तो आप क्या कर दोगे कि आप अगर 900 क्वांटिटी लिखोगे और एम टाइम 5 डाल दोगे तो आपके 4500 क्वांटिटी के 5 ऑर्डर लग जाएंगे। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। चलो ये भी क्लियर हुआ। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं कि उनके पास 5 अकाउंट है, उनके फैमिली में 5 मेंबर हैं, हम एपीआई पे चलते हैं, एपीआई पे चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे हमारे पास 5 मेंबर है पर मैं सबका फंड अलग अलग है, मैं अलग अलग क्वांटिटी लेना चाहता हूं। तो जो जैसे मैंने डिफॉल्ट सेंटेक्स डाला था ना, वो था आपका 25 क्वांटिटी का। अगर यहाँ दूसरे की किसी की एपीआई है तो उस एपीआई पे जाके आप मल्टीप्लायर ऑन करो, 2 कर दो, तो उसका जो ऑर्डर लगेगा वो 50 क्वांटिटी का लग जाएगा। तो इस तरीके के फीचर हैं। तो हाई ऑफ आपको पता चल गया होगा, मैंने कई चीज़ें आपको बता दी। तो ऑटो स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया मैंने आपको कैसे काम करता है। मैं सेंटेक्स पे चलता हूँ, ऑटो स्ट्राइक भी प्राइस बता दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 सेंटेक्स बता दिए, फुल्ली एल्गो और ऑटो स्ट्राइक प्राइस। अब कई लोग पूछेंगे भाई रेगुलर किस काम में आता है। रेगुलर देखो लाइक आपको सीधे बाय करना है या सेल करना है, पुरानी पोजीशन से कोई मतलब नहीं भाई। जब भी मेरा सिग्नल आएगा, कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम बाय बाय करते हैं, भाई हम बाय बाय करते हैं, क्लोज हम अब खुद ही कर देते हैं। तो इस केस में या वो बाय बाय लेना चाहते, क्लोज भी ऑटोमेशन से लेना चाहते, सेल लेना ही चाहते, पुरानी पोजीशन से कोई मतलब नहीं, उसके लिए वो खाली सिंपली बाय सेल का ऑर्डर बनाते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं। कवर और ब्रैकेट ऑर्डर अभी बनाए नहीं है, अभी बना देंगे। तो इसका तो आपको पता है कि कवर के अंदर आपको ब्रोकर एसएल देता है, ब्रैकेट के अंदर टीपीएसएल देता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर है ना बरसाती मेंढक की तरह है कि कुछ दिनों के लिए ऑन होते हैं फिर बंद हो जाते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, सेबी ने कहा ये वो। तो इस चक्कर में अभी बनाए नहीं, बाद में बना देंगे, पर अपना हमारा खुद का टीपीएसएल है। कैंसिल ऑर्डर क्या होता है, कैंसिल ऑर्डर जब किसी ऑर्डर को आप लगा देते हो और उसको कैंसिल करना है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाई देता हूँ। मैं रेगुलर में गया और ये मैंने लिया और लिमिट ऑर्डर ये लिया, एनएससी क्वांटिटी 1 करा, बाय करा। एक यहाँ है लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करा तो जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में मेरे को उससे 1 रुपये नीचे की मेरी बिड लग जाए। मतलब जब मेरा अलर्ट्स आए उसका प्राइस 100 रुपये है तो मेरी बिड 99 पे लग जाए, क्योंकि मुझे भी तो करंट प्राइस पता नहीं, ऑटोमेशन कर रहा हूं मैं तो उस टाइम का क्या प्राइस है मुझे तो पता नहीं। तो अलर्ट्स में जो अलर्ट्स आएगा उस टाइम हम करंट प्राइस उठाएंगे और -1 बाय साइड कर देंगे, सेल साइड +1 कर देंगे, तो बिड लिमिट ऑर्डर हो जाएगा इंट्राडे जनरेट। ये कॉपी करा, कॉपी करने के बाद फिर से मैं इसे लेफ्ट में लेके आता हूँ और सेंटेक्स को मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा माइक मेरे की सेटिंग सही नहीं है, मेरे आगे आता है तो देखने में इश्यू होता है मुझे, और ये सेव करता हूँ। तो अब चलते हम धन पे, अपने धन पे गए तो आई थिंक लिमिट ऑर्डर जो लगता है वो पोजीशन के अंदर ही दिखता है, ओपन ऑर्डर में दिखता है आई थिंक, कहीं दिखता होगा देख लेंगे। अभी अभी हमारे पास एक पोजीशन ओपन है, ये देख सकते हो, इसको छोड़ते हैं और हम एक लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं और ये मैंने लगाया। अलर्ट्स आएगा इधर, अलर्ट्स आया तो ये ऑर्डर कहाँ लगा होगा, चेक करते हैं। ये ऑर्डर यही लगा, ऑर्डर में लगा है देखो। तो अभी क्या हुआ है, जो करंट प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 81.70 रुपये, तो उससे 1 रुपये नीचे इनने बिड लगा दी, जो मेरी बिड लगाई है वो 80.70 रुपये पे लगा दी, तो ऑटोमेटिक लगा दी। तो ऐसे में इसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। अगर आपको क्लोज करना है ऑर्डर को तो इधर आओगे आप, और मैं इसे फिर से जूम कर लेता हूँ, इधर आओगे और कैंसिल ऑर्डर का यूज़ करोगे, कैंसिल ऑर्डर पे गए, और अगर कुछ भी नहीं करना आप इंट्राडे करके ऐसे कर दोगे तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सिंबल के नाम से करना चाहते हो तो सिंबल का नाम डालोगे, कैंसिल कर दोगे। इस तरीके के लिए अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर किस तरीके से ऐड करना चाहते हो वो देख सकते हो। ये है क्लोज ऑर्डर। क्लोज ऑर्डर किस लिए भाई, मैं आपको बता देता हूँ, एज एग्जाम्पल आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस पे गया, मैंने ये डाला एनएससी डाला, और बाय क्वांटिटी और बाय सेल ऑप्शनल है तो इसे छेड़ेंगे नहीं, इंट्राडे ले लेंगे, और ये कॉपी करा, ये क्लोज ऑर्डर है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं फिर से क्या करता हूँ, विंडो ये मैं राइट पे गया और ये मैंने सेंटेक्स डाला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये गया, तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक पोजीशन ओपन है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो टीपीएसएल टीएसएल अपने इंडिकेटर में बना के रखते हैं, या उनके स्टैट इंडिकेटर में कोई ऐसा टारगेट पॉइंट होता है भाई यहाँ पर क्लोज हो जाना चाहिए, वो उनके ऊपर है। तो इस क्लोज ऑर्डर का ऑर्डर यूज़ करके वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया, अब मैं इसे जैसे टिगर कराऊंगा, ये देखो ये टिगर होगा, ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। ये देखना पोजीशन है, अलर्ट्स आया और ये ऑर्डर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज क्यों नहीं हुआ, ये देखो क्लोज हो गया। तो ये क्लोज हो गया, तो इसलिए क्लोज ऑर्डर काम आता है। आई होप आपको कई सारे ऑर्डर पता चल गए होंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे ऑर्डर पे,
अल्टरनेटिव सिंबल, अल्टरनेटिव सिंबल उनके लिए जो ऑटो स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हैं और उनको क्लोज करना है। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। एज ए एग्जांपल, आपने कोई ऑप्शन बाय कर रखा है, अब आपको यही नहीं पता आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय कर रखा है, पर आप उसे क्लोज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ बैंक निफ्टी लिखना है अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय कर रखा है, और साथ में आपको लिखना है उसकी एक्सपायरी। तो हम स्टार्टिंग के वर्ड से जैसे 23/1/19 आप इतना लिख के NFO डाल के, क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं, ये इतना डालोगे, तो अगर आपके पास कोई भी इस नाम से पोजिशन होगी तो हम उसे क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, है ना। स्ट्रैटेजी ऑर्डर उनके लिए जो ट्रेडिंग व्यू पर स्ट्रैटेजी होती है और वो उस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहते हैं, तो डायनेमिक होती है स्ट्रैटेजी, वो बाय सेल खुद ही देती है, उसके अंदर सिंगल ही अलर्ट्स लगता है, तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए। बहुत रेयर लोग होते हैं जो स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो आई होप आपको धन में काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। TPSL की वीडियो जैसे ऐड होता है मैं बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।